राज। 11 घंटे की बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कैसे की थी मदद। टेस्ट क्रिकेट में भारत के भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने 2017 में रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच को एक बार फिर याद किया है। पुजारा ने उस मैच में रिकॉर्ड 525 गेंदों पर 202 रनों की पारी खेली थी। गेंदों का सामना करने के लिहाजा से किसी भारतीय बल्लेबाज की यह सबसे बड़ी टेस्ट पारी थी। पुजारा ने सोनी टेन पिच स्टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बारे में कहा, मुझे अभी भी उन्हें श्रेय देना होगा। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव ओकेफे ने 77 और नाथन लियोन ने 46 ओवर फेंके थे। वहीं तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 39 और जोस हेजलवुड ने 44 ओवर की गेंदबाजी की थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 451 रन बनाए थे और भारत ने पुजारा के दोहरे शतक की मदद से 9 विकेट पर 603 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी। पुजारा ने उस पारी में 11 घंटे तक बल्लेबाजी की थी और उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के साथ 199 रन जोड़े थे। साहा ने वे शतक लगाया था। पुजारा ने कहा, वे पूरे समय दौड़ते ही रहे और हमें आउट करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे, लेकिन साहा के साथ हुई साझेदारी महत्वपूर्ण थी।